डॉग को एक बॉक्स में रख दिया और उसको है ना शौक दिया। 999 टाइम्स रिजेक्शन मिला था उनके आइडिया के, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, धरती छोड़ के मून पे जाके लैंड करवा सकता है इंसान को। तो सोचो ये चीजें अगेन ब्लैक एंड व्हाइट मेंटेलिटी हो गई है। 67 स्टेप्स, 67 रूल्स, मेंटल फ्रेमवर्क जो आपके दिमाग को रिवायर करेगा सक्सेस के लिए, एक गुड लाइफ अचीव करने के लिए, जैसी लाइफ आप चाहते हो, उसके 67 स्टेप का जो सातवां स्टेप है आज हम वही डिस्कस करेंगे, जिसका नाम टाई लोपेज़ ने दिया है मार्टिन सेलिगमैन्स सैलरी स्लेव एंड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। क्या है वो सारी चीजें इस स्टेप के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो 20-30 साल पहले मार्टिन सेलिगमैन जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करी। वो टाइम पे क्या हो रहा था ना, मैक्सिमम लोग सिर्फ नेगेटिव साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, डिप्रेशन क्रिएट करती है, स्ट्रेस क्रिएट करती है, और बहुत सारी नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस था। लेकिन मार्टिन सेलिगमैन ने कुछ हटके उससे अपोजिट किया, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट किया, उनसे रिलेटेड स्टडीज करना स्टार्ट करी, ताकि हम कैसे अपनी साइकोलॉजी का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करे। एक एक्सपेरिमेंट जिनका बहुत फेमस हुआ, जिसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म में मिला, वो था डॉग्स को शॉक करने का एक्सपेरिमेंट, डॉग्स के ऊपर लिटरली इलेक्ट्रिक शॉक देने का एक्सपेरिमेंट। को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, डॉग्स के लिए हमदर्दी थी और एथिकली वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये चीज। और उन्होंने कई सारे एथिक्स के प्रोफेसर के साथ उन्होंने जाके बात भी करी थी कि मैं करूँ कि नहीं। तो एथिक्स के प्रोफेसर ने ये बोला था कि अगर डॉग्स को शॉक करने की वजह से अगर कुछ इतना बड़ा हम अचीव कर रहे हैं जिससे कि आने वाली ह्यूमन रेस को बहुत फायदा होगा, इस चीज से हमारे दिमाग को, मेंटल स्टेट को फायदा होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप शॉक कर सकते हो। तो ये डिलेमा उनका एथिक्स के प्रोफेसर ने सही किया। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, जहां पे वो बेसिकली क्या करते थे, देखो उन्होंने क्या किया था ना कि वो ना एक डॉग को समझो लिए, मैं एकदम अच्छे से नहीं बता रहा हूं, डिटेल एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूं, ऊपर-ऊपर से बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अचीव हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक डॉग को एक बॉक्स में रख दिया और उसको है ना शॉक दिया। नाउ ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में उन्होंने शॉक दिया तो वो डॉग कूद के भाग जाता था, ठीक है। लेकिन ना उन्होंने क्या किया, फिर जो भाग जाता है ठीक है, एक डॉग लिया जिसको ना उन्होंने शॉक दिया, लेकिन उनको भागने का रास्ता ही नहीं दिया, वो केज में उसको बंद कर दिए थे, तो वो निकल ही नहीं पाएगा। उसको शॉक दो, वो कितना भी चाहे कुछ भी करके भौंक के चिल्ला के कूद के वो वहां से नहीं भाग पाएगा, शॉक लगने के बाद भी, बहुत डेथली शॉक्स भी नहीं, हल्के हल्के शॉक देने के जैसे। क्या हुआ फिर, उसने वो कुत्ते ने वो शॉक झेलना सीख लिया और फिर वो वहीं बैठ जाता था, फिर उसे कितने भी शॉक दो आप वो कुछ भी नहीं करता था, रिएक्ट वो दर्द को सिर्फ सहता था। ना उसी डॉग को जब एक खुले बक्से में लेके गया, एक ओपन केज में लेके गया जहां से वो कूद के बाहर से निकल सकता था, वहां पे भी जब उसको शॉक दिया गया तो अगेन वो क्या करता था, कूदने के बजाय वो वहीं पे बैठा रहता था और तकलीफ झेलता रहता था। ना इससे रिलेटेड ही ये एक्सपेरिमेंट से यही साबित हुआ कि हम लोग है ना हेल्पलेसनेस चीज सीख लेती है, मतलब लाचार बेबस फील करना भी हम इंसान भी कई बार सीख लेते हैं। अगर हमारे साथ लाइफ में बुरी चीजें होती है तो कई बार हमें लगता है कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी हालत भी उस कुत्ते जैसी हो जाती है जिसके पास कई बार हाँ कुछ टाइम होता है जब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता निकलने का, लेकिन मैक्सिमम टाइम 95% टाइम, स्पेशली आज के टाइम पे, आज के इस मॉडर्न एज में हमारा ना उस तकलीफ से निकलना काफी आसान है पहले के मुकाबले में, लेकिन स्टिल हम लोग क्या करते हैं कि उस कुत्ते की तरह वहीं पे बैठे रहते हैं और सिर्फ दर्द सहते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा कंफर्ट जोन भी होता है ना। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है जो आपने भी सुना होगा, हाथी का एग्जांपल, हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे जंजीर से बांध दिया जाता है, वो बहुत ट्राई करता है लेकिन वो जंजीर तोड़ के बाहर भाग नहीं पाता है। एक टाइम बाद क्या होता है कि वो सीख जाता है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, वो तोड़ के नहीं निकल पाएगा। जैसे ही वो हाथी का बच्चा बड़ा होने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो पूरा पेड़ उखाड़ के, मतलब जिससे उसे बांधते हैं वो पूरा पेड़ उखाड़ने की ताकत रखता है, स्टिल वो नहीं ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने सीख लिया होता है कि वो कितना भी ट्राई करे, कुछ भी कर ले, उसको ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, और फिर उसको कमजोर सी रस्सी से भी बांध दो फिर भी वो पेड़ के साथ लगा रहेगा और ट्राई भी नहीं करेगा। ये चीज को अगेन क्या बोलते हैं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, मतलब सीखी हुई हेल्पलेसनेस, जो हम सब इंसान आजकल कहीं ना कहीं सीख रहा है। नाउ इससे रिलेटेड ही मंकी का भी एग्जांपल देता है, बहुत सारे जानवरों के एग्जांपल हो रहे हैं, तो मैंने जो एलिफेंट का एग्जांपल दिया था वो तो मैंने खुद से अपना ऐड कर दिया था, वो उन्होंने मंकी का एग्जांपल दिया कि कई बार ना ऐसा देखा गया है। देखो मंकीज क्या होता है, मंकीज को जब जंगल से पकड़ के लाके जू में रख दिया जाता है, उन्हें प्रॉपर खाना दिया जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है, हर एक चीज उनको अच्छे से कर दी जाती है उनके लिए, बट स्टिल वो जो मंकीज होते हैं ना, बंदर होते हैं ना, वो लोग की जो खुशी का लेवल होता है ना वो बहुत कम होता है कंपेयर टू उन बंदरों के जो जंगल में रहते हैं, खुले में रहते हैं। क्यों ऐसा? देखो अगर तरीके से तो देखा जाए तो उनके लिए तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, लाइक बंदर वहां जंगल में रहेंगे तो उनको बराबर खाना नहीं मिलेगा, शायद दूसरे जानवर उन पर अटैक कर सकते हैं, उनको जो सर्वाइवल का रेट है ना वो काफी कम है जंगल में, जबकि वहीं अगर वो केज में आके रहने लग जाए तो उनका सर्वाइव तो कर लेंगे पक्का, खाना वाना उनको आके मिल जाएगा जगह पे, बट स्टिल वो लोग की जो खुशी का लेवल रहता है वो कम होता है ज्यादा होने के बजाय। क्यों? बिकॉज अगेन मंकी हो चाहे कोई भी हो ना, हमें ना जिंदगी को खुल के जीना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार हमें ना ऐसे केज में बांध दिए जाते हैं जहाँ
पे हमें हाँ सैलरी आती रहती है, खाना मिलता रहता है, हर चीज तो हो रही है, सर्वाइव करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो तो मिल जाती है, बट स्टिल हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज से उन्होंने फाइंड आउट किया था ये हेल्पलेसनेस फील करने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और बाकी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। सो वैसे अब जानवरों से हटके हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस हमें भी बचपन से कैसा होता है कि हमें भी कहीं ना कहीं आप बोलोगे ना हमें ट्रेन कर दिया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी हमें ट्रेन कर देती है, हमें उस पिंजरे में बंधे बंदरों की तरह जानवरों की तरह रख देती है कि तू भाई कुछ नहीं कर सकता, तुझे इतना जैसे स्कूल सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जाने अनजाने में अनजाने में इसके ऊपर थोड़ी डिबेट की जा सकती है सिखाता है कि कैसे हमें भी ना लाइक आपको भी रूल्स फॉलो करना है, आपको भी सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे पहुंचना है, स्पेसिफिक टाइम पे रिसेस मिलेगी, उतने टाइम पे खाना है, आप बोल नहीं सकते हो, आप क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा, मतलब कर सकते हो लेकिन अनरिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, आपको एक स्पेसिफिक बुक दी जाएगी उसी बुक से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए जाएंगे, उससे रिलेटेड ही सही आंसर जैसा टीचर ने बोली है वैसा आंसर ही दोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या सिखाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें हेल्पलेसनेस सिखाई जाती है कि हाँ इतनी इतनी चीजें ही करनी पड़ेगी जिंदगी जीने के लिए, जबकि सच बोले तो जिंदगी जीने के और भी बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, मतलब बेटर ऑप्शन टाइलोपेस क्या बोलते हैं, इससे अच्छा स्कूल में कैसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये एक टॉपिक है, अब एक काम करो बच्चों को लाइब्रेरी में जाने दो, खुद से चूज करने दो उनको कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक उठा के खुद से वो अपनी इंटरेस्ट वाली चीजें करेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे और उनका हैप्पीनेस का जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू इस ऐसा पिंजरे में बांध देने के जैसा हमारे साथ होता है। टाइलोपे से बोलते हैं कि देखो बहुत से लोग ना बहुत घबरा जाते हैं जब वो सुनते हैं कि मैं हर दिन एक बुक पढ़ता हूँ, हर दिन कोई नई बुक पढ़ता हूँ, उसकी बातें सीखता हूँ, बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं कंडीशन की गई है हमारे दिमाग में कि नहीं इतनी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, इतनी अलग अलग बुक्स आप एक दिन में तो पढ़ ही नहीं सकते हो, आपको तो बस एक दिन में इतना चीज पढ़नी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना चाहिए और यही चीजें पढ़नी चाहिए जो स्कूल के सिलेबस है आपको उससे रिलेटेड ही पढ़ना चाहिए, कि अब दूसरी चीजों में क्यों टाइम वेस्ट करो, पहले तुम स्कूल पे फोकस करो, क्यों, क्योंकि मार्क्स चाहिए अच्छे, समझ लो कहीं ना कहीं हमें बहुत गलत चीजें सिखाई जाती है। नो यही जो कंडीशनिंग है ना वो एक्चुअली हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे हमें दिखने मिलती है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती है। गुड लाइफ के लिए क्या चाहिए, हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस, और ये चारों चीजों में कहीं ना कहीं हमने हेल्पलेसनेस सीख ली है, पैसे से रिलेटेड हेल्पलेसनेस सीख लिया कि यार हम इतना ही कमा सकते इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हमें कंडीशनिंग की गई कि हम बस इतने हमारे जो बिरादरी है हम लोग में शादी कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशनिंग होती है कि नहीं हम ऐसे ही रह सकते इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे को एक पिंजरे में बांध दिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो चाहे रिलेशनशिप हो। हेल्थ की भी बात करें तो हमारे अंदर ऐसा कंडीशनिंग की जाती है कि नहीं हम खा सकते हैं, हम मीठा खाओ कोई इशू नहीं है, हर बार खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, ऐसे कई सारी गलत कंडीशनिंग की जाती है हेल्थ से रिलेटेड जो हमें लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा नहीं कराती, लाइक मीठा हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब अभी कंडीशनिंग हो गई, हमें एक्सरसाइज के ऊपर फोकस ही नहीं करा जाता, जबकि सबसे ज्यादा आप देखोगे तो बुरी हेल्थ, हार्ट अटैक्स, ये सारी चीजों की वजह से आजकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, और ऐसी हमारी कंडीशनिंग है कि हमें फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मरता है लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि अगर कोई एक इंसान कभी एक शायद से कोई एरोप्लेन से गिर के मर गया तो उसके बारे में पूरी दुनिया में बवाल हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक से हर दिन कितने सारे लोग मर रहे हैं इस चीज से रिलेटेड बातें ही नहीं होती है, जबकि हमारे खुद के चांसेस हार्ट अटैक से मरने के बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एरोप्लेन से मरने के, समझ रहे हो, अवेलेबिलिटी बायस करके भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने शायद पिछले स्टेप में ही जिसके बारे में बात किया था। तो यही सब चीजें बता रही कि हम सब कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से कंडीशन कर दिए गए और हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत मजबूर लाचार फील करते हैं जो चीज हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती है। हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो हम बहुत शॉर्ट हिस्ट्री देखा जाए तो हजारों साल की हिस्ट्री हो सकती है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम बहुत छोटी जगह पे फोकस करते हैं कि यार पिछले 10 सालों में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ, इस बारे में हम ज्यादा बात करते हैं कंपेयर टू कितने पिछले 100 सालों में क्या हुआ है। जो भी सालों में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग कब क्या करते थे पहले, आज का जमाना बहुत जल्दी जल्दी बदल गया है, पहले के लोग खुद से चीजें उगाते थे, खुद से खाते थे, उसको खुद को बेचते थे, मतलब वो उनकी इनकम से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, लेकिन आज क्या हो गया है ना कि आजकल देखो सब चीज कनेक्टेड नहीं है, बहुत आप बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो यूएस हिस्ट्री की बात करते हैं, टाइलोपेस बताते हैं कि लाइक जब थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन और ये सारे लोगों ने जब अमेरिका को फॉर्म किया था तो उन्होंने सोचा था कि इस कंट्री में क्या होगा, यहाँ पे जेंटलमैन फार्मर्स बनेंगे, जेंटलमैन फार्मर्स मतलब जो लोग थोड़े एजुकेटेड भी रहेंगे और फार्मिंग भी करेंगे, मतलब जो लोग अपना उगाएंगे और बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन अब कैसा हो रहा है कि चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही है, जो चीज वो बताते हैं विल ड्यूरेन बताते हैं कि पहले चीजें थोड़ी ज्यादा सिंपल थी, अब चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज है ना हम इंसान खुद क्या खाते हैं वो हम नहीं उगाते हैं, हम क्या पहनते हैं वो भी हम नहीं करते हैं, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो सब में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट के पास हम पैसे देते हैं और उससे खरीदते हैं, ना कि हम खुद वो चीजें खुद से ग्रो करते हैं, खुद से यूज करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई है, आज सिंपल नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंस है पैसे से रिलेटेड भी चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारे पैसों से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत सारे लोग बीच में आते हैं तब जाके हमें वो पैसे मिल पाते हैं। लाइक पहले कैसा एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स होते थे उन्होंने अनाज उगाया, उन्होंने बेचा, मतलब डायरेक्टली उगाया
बनाया और बेचा, पैसा डायरेक्टली मिल गया, उनके हाथ में कंट्रोल था। बट अब ये कंट्रोल धीरे धीरे छूटता जा रहा है, क्योंकि आज अगर बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो लोग डायरेक्टली कस्टमर्स उनके पास नहीं आगे उनको डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है, बीच में कोई कंपनी होती है और बहुत सारी कंपनीज होती है जो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें करती है, स्पेशलिस्ट कंपनीज होती है जो सारी चीज़ें काम कर पाती है, तभी जाके अच्छे से उसको इनकम मिल पाती है वो इंसान को। नाउ ये चीज़ हाँ हमें जल्दी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर इंसान का जो कंट्रोल होता है ना जिंदगी में, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड छूटता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होने लग गए हैं अपने पैसों से रिलेटेड। और ये चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने के लिए टाई लोपेज़ आमिश कम्युनिटी में गए थे। आमिश कम्युनिटी जो ऐसी कम्युनिटी है जो लाइक पुराने जमाने के तौर तरीकों के हिसाब से रहते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खुद उगाते हैं चीज़ें, खाते हैं, खुद बनाई हुई चीज़ों को पहनते हैं। तो ऐसा वो कम्युनिटी में उन्होंने जाकर एक्सपीरियंस किया था, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। बट अगेन वो बोलते हैं कि देखो कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 साल पहले हम बहुत अच्छे थे, अब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई है, नहीं, ये चीजें अगेन ब्लैक एंड व्हाइट मेंटालिटी हो गई है। वो बस ये बोलते हैं कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, ये हुआ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये हुआ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसी सोच हमेशा रखनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि और तब बहुत अच्छा होता था आज बुरा हो रहा है, या फिर आज अच्छा हो रहा है तब बुरा था, नहीं, हर चीज का अपना कॉज होता है, उसकी वजह से अपना एक इफेक्ट निकलता है। ऐसे आप सोचोगे तो आप ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। तो अब देखो क्या लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब ये है, आजकल हम लोग ना बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करने लग गया, लाइक बहुत से लोग आप देखना बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, और बहुत ज्यादा वो लोग फास्ट फूड खाते हैं, वो लोग चाहते हैं वो कंट्रोल करें बट वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके हाथ में उनका कंट्रोल ही नहीं रहता। वो लोग देखते हैं उनको पसंद आता है वो ऑर्डर दे देते हैं, लाइक फास्ट फूड तो ये सब चीज मैं भी खाता हूं, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, बट मेरे को एक चीज क्लियर है, मैं इसमें इतना ज्यादा हेल्पलेस नहीं हूं। मुझे एक्जैक्टली पता है कि हाँ कोई एक मैजिक पिल मुझे नहीं मिलने वाली है, कोई एक स्पेशल बहुत कुछ स्पेशल एक कोर्स रहेगा तभी वो कोर्स करूंगा तभी मैं पतला हो पाऊंगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं हेल्पलेस नहीं, मुझे पता है हाँ कोर्स ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन सिर्फ कोर्स, सिर्फ वो मैजिक पिल और सिर्फ ऐसा वो नुस्खे, ये सब वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं ना जिसके अंदर नुस्खे बताए जाते हैं आपकी, ये लो इसके अंदर ये डाल लो, ये पियो हर दिन सुबह में 30 दिन पी लो आपका इतना वजन घट जाएगा, ये सब चीजें ना सच बोल रहा हूं ना ये सब सच नहीं है, ये सब सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो 20-30 दिन का गोल मत रखो, एक महीने दो महीने का गोल कभी मत रखो, बिकॉज हेल्दी रहना एक लाइफ स्टाइल है। आपको जिंदगी भर अच्छी चीजें खानी पड़ेगी, जिंदगी भर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से हेल्दी रह पाओगे हमेशा के लिए, राइट। तो ये मत सोचिए जितने भी चीज आती ना 20 दिन कर लो और जिंदगी बदल जाएगी, 30 दिन कर लो जिंदगी बदल जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये सब चीजें सिर्फ मार्केटिंग के लिए की जाती है, अट्रैक्ट करने के लिए, बट सच ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई 20-30 दिन का झूठा दावा देके बुला रहा है अपने पास, कर रहा है कि 20-30 दिन में तुम हेल्दी हो जाओगे, हेल्दी लाइफ जियोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ वो सिखा रहा है आपको, प्रोसेस सिखा रहा है कि कैसे आपको वो प्रोसेस को जिंदगी भर अप्लाई करना है, तो ही आप वो चीज को करना, बस सिर्फ 10-20 दिन से कुछ नहीं होने वाला। टाई लोपेज़ अपना भी एग्जांपल देते हैं, तो आजकल लोग इतने हेल्पलेस फील करने लग गए ना कि वो बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे उनके कोर्सेज है, पेड कोर्सेज है जहां पे वो लोगों को बुलाते हैं, इंटर्नशिप काइंड ऑफ लोग उनके अंडर आके काम करते हैं, तब भी है ना वो जब भी चीजें बच्चों को चीजें सिखाते हैं उनसे, छोटे लोगों को या फिर जो भी हो, कई बार लोग एकदम बहुत स्टूपिड चीजों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सर ये कैसे करना है, ये कैसे डाउनलोड करना है, वो कैसे करना है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बहुत स्टूपिड है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आज आप गूगल के जमाने में रह रहे हो, हर एक छोटी छोटी चीजों में आपको हेल्पलेस नहीं फील करना, कैसे होगा, गूगल करो, जाके यूट्यूब करो, जाके सर्च मारो, एक वीडियो देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इतना हेल्पलेसनेस क्यों फील करते हो कि यानी हर चीज कोई बताएगा तो ही आप कर पाओगे, मोटी मोटी चीजें पूछो, बड़ी बड़ी चीजें पूछो, छोटी छोटी चीजों में ना लोगों को परेशान मत करो। तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, हमेशा नहीं बट बहुत ज्यादा टाइम वो लोग अपने लाइफ में अपना कंट्रोल रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए के बने थे, बहुत से लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, बट उनकी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, ये थी कि ना लेट 80s और 90s के टाइम पे ना वो रियल एस्टेट के बिलियनर बन गए थे और उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन फिर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लड़की के चक्कर में फंस गए थे, लड़कियों के चक्कर में उनका इंटरेस्ट, उनका फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था ना, फिर रिसेशन आया था ना, तो उस टाइम पे $9.2 बिलियन डेथ में चले गए थे, कर्जा आ गया था $9.2 बिलियन का उनके ऊपर, बट वो उस चीज से भी ओवरकम करके उसको निकल पाए। तो इससे मतलब ये एग्जांपल से मतलब ये कि हाँ वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी इंसान चाहे तो निकल सकता है, अगर वो सिर्फ हेल्पलेस हमेशा फील ना करे कि अब क्या होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत भी कर्जा आ जाता है, आई एम सो हेल्पलेस, मैं हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं वो हेल्पलेस है, जबकि कुछ लोग होते हैं जो लोग एक्शन लेते हैं, एक्चुअली में वो लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं और उस चीज से रिलेटेड वो उस अपने आप को उस केज में से निकाल के आगे आजाद पंछी बन पाते हैं, आप बोल सकते हो। देखो आज का जो मॉडर्न टाइम है ना, वहाँ पे जो केज है ना वो केज ओपन हो चुका है। पहले हाँ पहले के टाइम पे हो सकता था बहुत ज्यादा, लग राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें होती थी जो केज था, लेकिन अब वो केज टूट चुका है, आज वही आगे बढ़ेगा जो हकदार होगा, आप सुना होगा आपने ये चीज। तो आज हकदार इंसान आगे बढ़ सकता है, आज का केज खुला है, आज हर एक इंसान गूगल कर सकता है, आज हर एक इंसान फ्री में अपना यूट्यूब पे अकाउंट बना सकता है, आज हर एक इंसान अपना खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकता है, जैसा वो चाहे वैसा बनाना चालू कर सकता है। हाँ हर चीज नहीं कर सकता,
सकता है, लेकिन कुछ चीजें तो जरूर कर सकता है और वो कुछ चीजों से भी वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में आपको मैरिज की प्रॉब्लम है तो आप देखो सोशल मीडिया की बहुत सारी साइट्स है, भारत मैट्रिमोनियल ऐसी बहुत सारी साइट्स आप देखना, उस पर जाके आप रिश्ते ढूंढ सकते हो। हाँ आप बोलोगे नहीं अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, ट्राई करोगे तो मिल सकते हैं। आप थोड़े स्मार्टली बिहेव करो, ऐसा नहीं कि आप जाओ किससे भी मिलो किससे भी शादी करने। ऑब्वियसली हम थोड़े स्मार्ट रहते हैं, हम समझना चाहिए कि कौन है, आप तहकीकात करो जाओ उसके अंदर लेकिन घुसो, लेकिन चीजें हो सकती है। बेसिकली बात यह है कि चीजें करी जा सकती है अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें तो। जॉन वुडी बोलते हैं कि बी क्विक बट नॉट इन अ हरी, हरी मत करो क्विक रहो, करो चीजें जल्दी करो बट इतना हरी में जल्दबाजी में घाई हुई में मत करो, स्मार्टली करो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कुछ भी चीजें अचीव करने के लिए आपको बस ये नहीं सोचना कि 10 दिन में हो जाएगा 5 दिन में नहीं। वन मिनट मैनेजर में बोलते हैं जिससे रिलेटेड हमारी वीडियो बुक भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वीडियो बुक की भी लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है पीटर ड्रकर की। वो भी बोलते हैं कि आपको 18 महीने के गोल सेट करने चाहिए, 18 महीने अपने आपको 1.5 साल लंबा टाइम दो, लंबा टाइम दो और एक्शन लेते रहो, आपको अच्छे सक्सेस मिलेगी। देखो ऐसा बहुत से लोगों को लगता है जॉब ही सिर्फ एक स्लेव मेंटालिटी देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं वो भी स्लेव रहते हैं अपने काम में, वो लोग भी पैसे के पीछे इतना भागते रहते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता। हाँ ऐसा होता है, बहुत बार फील होता है, लेकिन बात यह है कि हमें अब शांत होकर अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करने के बाद हमें समझना चाहिए कि नहीं बहुत सी चीजें हो सकती है और आपको चीजों को इंप्रूव करने आना चाहिए, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। हेल्पलेस फील करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्पलेस नहीं फील करोगे तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर लोगे। अच्छा जेफ बेजोस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, वो बोलते हैं कि तो हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं लेकिन हम उससे निकलते हैं, बिकॉज उनका एक कोट है कि वी गोना इनोवेट आवर वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमें हमेशा इनोवेट करना चाहिए अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जो हेल्पलेसनेस का एंटीथेसिस होता है वो होता है क्रिएटिविटी, H2C। आपको हमेशा हेल्पलेसनेस से हटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी अपने दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। एक चीज समझो, हमने कई साल पहले एक इंसान को मून पे भेज चुके हैं, हम यूएसए, ऑब्वियसली यूएसए ने भेजा था बट हम इंसान ने नहीं भेजा था ना। हाँ उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे लगे, लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, थाउजेंड्स के ऊपर PhDs लगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी, बट कर लिया। अगर एक इंसान धरती छोड़ के मून पे जाके लैंड करवा सकता है इंसान को, तो सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है, और वो भी तब की टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, तो सोचो आज के टाइम में हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। बस सोचना है, बस हमें समझना है, बस क्रिएटिविटी का यूज करना है। लाइक टाई लोपेज़ बोलते, देखो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार बहुत टाइम पहले वो न्यूजीलैंड गए थे, वहां पे ना तब ना मोबाइल फोन ये सब नहीं रहता था, तो क्या हुआ था कि उनको पे बूथ फोन करना पड़ता था, पे बूथ से उनको कहीं पहुंचना था तो वो क्या करते थे, एक डायरी लेते थे फोन करके एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन कि अभी यहां से लेफ्ट लेना है वहां से राइट लेना है, एक एक स्टेप होता ना उसको लिख के रखते थे एकदम, बिकॉज कहीं अगर अनजाने में खो जाते तो घंटे उनके वेस्ट हो जाते थे, बिकॉज वहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और बहुत लेस पॉपुलेटेड कंट्री थी न्यूजीलैंड, अभी भी लेस पॉपुलेटेड ही है, तब और ज्यादा लेस पॉपुलेटेड थी, वो टाइम पे उनका हेल्पलेस फील करना बहुत ज्यादा चांसेस थे हेल्पलेस फील करने के अगर वो खो जाते तो। लेकिन आज के टाइम के आज के टाइम सबके पास GPS है, आज के पास गूगल मैप्स है, आप यूज करके कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, बस आपको उसका यूज करना चाहिए डिफिकल्टीज खत्म करने के लिए। देखो इलॉन मस्क का एक कोट है, वो बोलते हैं कि वी गेट पेड इन प्रोपोर्शन टू द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स वी सॉल्व। हम उतने पैसे कमा सकते हैं जितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप किसी इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो क्रिएटिविटी का यूज करके तो आप हेल्पलेसनेस से बाहर निकल सकते हो। आप सोचो कब ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ था, कुछ चीज थी जिससे आपने तब हेल्पलेस फील किया था और आपने उस चीज को छोड़ दिया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाई लोपेज़ बोलते हैं हम लोग लाइक 14 साल की एज होती है ना तब हम अपने पीक में होते हैं, लाइक हमारा ब्रेन ज्यादा स्ट्रेस में नहीं होता है, लाइक हम बहुत ज्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते हैं, हमारा ब्रेन काइंड ऑफ पूरा डेवलप्ड हो जाता है, हम अच्छा सोचते हैं, क्रिएटिविटी सब चीज एनर्जी ये सब बहुत अच्छी होती है हमारी। वो टाइम पे सोचो आपने क्या कभी कौन सा अपने बचपन में सपने देखे थे और वो सपने आपने क्यों पूरे नहीं हुए, आपने क्यों वो सपनों से हटके कोई दूसरी चीज चूज करी। अगर आपको याद है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद करो उस चीज को और देखो अगर आज का टाइम होता क्या आप डिफरेंटली करते, क्या आप अलग तरीके से करते, इस चीज के बारे में थोड़ा सोचो। जैसे टाई लोपेज़ बोलते हैं कि मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर बनना था लेकिन तब मैं नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट फिर शायद वो कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस थी मे बी, और उनका खुद उनका हाइट भी इतनी नहीं थी, वो ठीक ठाक ही प्लेयर्स थे और ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तब भी शायद मैं चाहता तो बोलते कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, उस फील्ड में घुस सकता था, मैनेजर बन सकता था, बास्केटबॉल से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर सकता था, बिकॉज उनको बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब हेल्पलेस फील करते हैं। मैं खुद भी कई बार हेल्पलेस फील कर चुका हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन पहले से जब स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे तो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता था, लेकिन आज आई एम वेरी इंडिपेंडेंट कि आप मतलब बोल सकते हो कि हाँ आज मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो ऑब्वियसली मैं उससे रिलेटेड प्लान बना के एक्शन लेके वो चीज अचीव कर सकता हूं। इससे रिलेटेड जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं हेल्पलेस बहुत कम जगहों में ही फील करता हूँ। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फील करता हूँ कई जगहों पर हेल्पलेस, लेकिन वो उससे रिलेटेड फिर मैं सोल्यूशन भी ढूंढता हूँ और उससे निकलता भी हूँ। तो ऐसी आपको भी हेल्पलेस फील करने के बजाय सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए क्रिएटिविटी का यूज करके। टोटल रिकॉल बुक है एक बहुत ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मैं बड़ा उनका नाम एक बार पढ़ाऊँ बट है ना जब भी बोलने जाता हूँ कुछ ना कुछ घान होता ही है, तो आर्नोल्ड की बुक है, सीधा यही बोलता हूँ, उनकी बुक टोटल रिकॉल है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी है। उनके ऊपर भी लोग हंसते थे, कोई भी सोचता नहीं था कि वो इतनी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, बट स्टिल वो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने थे,
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी, एंटरप्रेनर बने, उनको बहुत बार मूवीज़ करे, मूवीज़ के हीरो बने, ऐसी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की बार बार चीज़ें करके। और ये सब चीज़ों में क्या रेप्स एंड सेट्स, मतलब बार बार चीज़ें करके घुस के उन्होंने विजन देखा, उस रिलेटेड प्लान बनाया, उस रिलेटेड एक्शन लिए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पॉसिबल करा। ऐसे ही हम भी इंसान, हम भी अगर अच्छे गोल सेट करते हैं, उस रिलेटेड प्लान बनाते हैं, उस रिलेटेड एक्शन लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप भी लिखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने अपने पास्ट में हेल्पलेस, जहाँ पे आपने फील किया था, ठीक है, पब्लिकली आप लिखो। और शर्म मत करो, जरा भी कोई टेंशन नहीं, हर इंसान हेल्पलेस फील करता है। आपने कौन सी जगह पे आप हेल्पलेस अभी फील करते हो मे बी, या फिर पास्ट में आपने किया था। याद रखो, कोलोनल सैंडर्स का एग्जांपल देते हैं, कोलोनल सैंडर्स को 999 टाइम्स रिजेक्शन मिला था उनके आइडिया के लिए, बट स्टिल वो घुसे रहे, उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और उनको फिर उसके बाद वो मिलियनर KFC वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बहुत ज्यादा पैसे कमाए KFC के थ्रू। मतलब वो हेल्पलेस अगर फील करते तो वो बहुत जल्दी क्विट कर देते, बट नहीं, उन्होंने घुसे रहे और वो सोल्यूशन निकालते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, जिसकी वजह से वो सारी चीजें अचीव कर पाए। तो ऐसी आप भी देखो कि कौन सी चीज में आप हेल्पलेस फील करते हो, और अगर आपने कुछ डिफरेंटली किया होता, अगर आप लगे रहे होते, तो कौन सी चीज में आप आगे बढ़ सकते थे। देखो, आज का टाइम ऐसा आ गया ना कि आज हर आइडिया, कोई भी आइडिया हो, अगर आप अच्छे से उसके ऊपर घुसे हुए रहते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है उस रिलेटेड आपको फंडिंग में मिल जाएगी। आप वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल इन्वेस्टर्स है, क्राउड फंडिंग है, दुनिया भर की चीजें आप आइडिया को अपने आप फंड कर सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो। बस सोचो, आपके पास हर एक टूल आज अवेलेबल है। तो प्लीज आज के टाइम पे आप हेल्पलेस फील मत करो। ऑथेंटिक हैप्पीनेस एक्चुअली बुक का नाम है, जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा। चार्ली मंगर भी बोलते हैं कि इन्वर्ट करना चाहिए, अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है तो इन्वर्ट करो अपने गोल्स को। स्लॉथ और अनरिलायबिलिटी, मतलब आलसपन और अनरिलायबिलिटी जो चीज होती है ना, बहुत आपको लाइफ में पीछे रखेगी, तो इनसे लड़ते रहो हमेशा। बहुत से लोग है ना, देखो अभी अगेन ये 67 स्टेप है, सिर्फ 7 स्टेप चल रहा है, लेकिन आप खुद जाके नोटिस करना, जितने भी लोग देख रहे हो जाके नोटिस करना, फर्स्ट वीडियो पे हमेशा मैक्सिमम ज्यादा व्यूज होते हैं, सेकंड पे और कम, और फिर ऐसे कम होते रहते हैं। और कुछ लोग ही होते हैं जो एंड तक टिक पाते हैं, और ये टिक पाने की जो कला होती है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट रेयर चीज हो गई है आज के टाइम पे। और अगर वो रेयर चीज आपके अंदर ना, तो आपके जो चांसेस है सक्सेस होने के लाइफ में, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा है, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोगों ने सिर्फ एक वीडियो देखा और फिर बंद हो गया, वो भूल गए, कोई और चीज में लग गए हो, उनका फोकस ही नहीं है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, उनके अंदर वो बात ही नहीं है, वो लोग हेल्पलेस लोग हैं, जो लोग बस जिनको जिंदगी यहाँ से वहाँ लेके जा रही है। अगर आपने डिसीजन लिया था कि मुझे कोर्स देखना है, आप एंड तक देख रहे हो, ट्रस्ट मी, आप अपने विल पावर, अपने डिसिप्लिन का मसल होता है, उस चीज को ग्रो कर पाओगे। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो मैं तो फ्री में डाल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं एडसेंस भी नहीं रन कर रहा हूँ ये वाले वीडियोस पे, मेरे को भी इधर कुछ नहीं मिल रहा सच बोले तो राइट नाउ। हाँ, मेरे को एक चीज मिल रही है कि आप लोग का प्यार मिलेगा, आप लोग बोले कि हाँ सच में जीशान भाई बहुत वैल्यूबल चीज सिखा रहे हैं, ये तो मिल रहा है ऑब्वियसली। बट याद रखो कि इसमें मेरा इतना फायदा नहीं है जितना आपका बहुत फायदा होगा अगर आप इस पूरे कोर्स को पूरा एंड तक देख ले तो। हाँ, मुश्किल होगा, ऑब्वियसली मुश्किल होगा, बट ट्राई करना एंड तक पहुंचना। अगर एंड तक पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आप अपने पूरे दिमाग को रिवायर कर लोगे, ट्रस्ट मी, आप अपनी जिंदगी पूरी बदल लोगे अगर आपने पूरा खत्म कर लिया तो प्लीज टिके रहना है एंड तक। तो अभी के लिए बस इतना ही बोलूंगा, बस याद रखो कि आपको उस बंदर की तरह, उस हाथी की तरह, उस मंकी की तरह नहीं बनना है जो हेल्पलेस है, जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, जो अपनी चीज़ों में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसको सिखा दिया गया है वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो, बस अपने आप को चेंज करो, अपने ब्रेन को रिवायर करो, 67 स्टेप पर लगे रहो, आपको पता चलता रहेगा और भी बहुत सी चीज़ें जिससे आप और चीज़ें कंट्रोल में ला के बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।